रहीम, मैं चिकन पलाव बना रही हूँ। देखिए, आधी किलो चिकन है, देखिए ये आधी किलो बासमती है। देखिए, मैं 1 घंटा पहले भिगा ली थी इसको। ये देखिए, अप्पो धाई है। 2 नींबू का जूस निकाल ली। देखिए, मैं 1 कट्टा कोतमीर, 1 कट्टा पुदीना, 1 5 हरी मिर्ची को कट कर ली। देखिए, मैं अतपो प्याज को बारीक कट कर ली, अतपो टमाटरों को भी कट कर ली। देखिए, मैं ये देखिए, आधा चमचा जीरा पाउडर, आधा चमचा इलायची पाउडर, काली मिर्ची को पीस ली। देखिए, आधा चमचा में मोटा मोटा, आधा चमचा बोले तो गरम मसाला है। देखिए, आधा चमचा बोले तो धनिया पाउडर है, 1.5 चमचा अदरक लहसुन, आधा चमचा हल्दी, 1 चमचा मिर्ची, नमक तो अपने हिसाब से डाल लेना। देखिए, ये देखिए खड़ा गरम मसाला है, 3 दालचीनी के चकले, आधा चमचा शाहजीरा, 1 6 लौंग, 6 इलायची, 2 बोले तो टेस्ट पत्ता है। देखिए, आगे तक मेरा वीडियो देखिए। चूल्हा सिल गई। देखिए, चूल्हा सिल गया कि मैं भगोना चढ़ाई, भगोने में 1.5 चमचा तेल डाल रही हूँ। देखिए, चिकन तले सो तेल है ये, 1.5 चमचा तेल, 1.5 चमचा घी डाल रही हूँ। देखिए, 1.5 चमचा घी डाले बाद उसके अंदर अच्छा तेल गर्म हो गया बाद प्याज डाली। देखिए, प्याज को अच्छा तल ले रही हूँ। देखिए, मैं तेज़ चूल्हे पे तल रही हूँ। देखिए, उसको कम से कम पूरा अपने को लाल हो गया तक तेज़ चूल्हे पे तलना। देखिए, नहीं तो अगर अपन कम चूल्हे पे तले ना तो पूरा सालन की हो जाती उन्हें, तो उसको कम से कम 5 मिनट तल ली। देखिए, मैं तेज़ चूल्हे पे, तेज़ चूल्हे के बाद तले बाद क्या करी मैं, उसमें खड़ा गरम मसाला डाली। देखिए, खड़ा गरम मसाला डाल के उसको अच्छा तेज़ पे तल रही हूँ। देखिए, मैं तेज़ पे अदरक लहसुन डाल रही हूँ, कम नहीं करी मैं चूल्हे को, तो अदरक लहसुन का पूरा खुशबू आती। देखिए, अदरक लहसुन का पूरा पानी सूख गया तक उसको अच्छा भुनना, लाल होना। देखिए, अदरक लहसुन पूरा कच्चापन मरना उसका, तो हरी मिर्ची कट कर लेके डाल ली। देखिए, मैं उसको चीरी, देखिए बीच में से, बीच में से चीरे तो बहुत अच्छी होती, टमाटे डाली मैं उसके अंदर हूँ, 10 मिनट से भून रही हूँ। देखिए, मैं 10 मिनट तक पूरा टमाटरों को अब क्या करती हूँ, अच्छा उसको मिला लेके क्या करती हूँ, नमक मिर्ची हल्दी डाले बाद उसको 2 मिनट अच्छा भूनती हूँ। देखिए, 2 मिनट के बाद उसको फिर अच्छा मैं ढाप दे के रख देती हूँ, ढाप दे के उसको 5 मिनट रखती हूँ। देखिए, ढापे बाद 5 मिनट के बाद मैं धाइन डाल के उसको फिर गलाती हूँ 1-2 मिनट। ये देखिए, पूरा टमाटरों का पानी उसको ढीला ढीला होगा, देखिए ज़रा छुट गया। देखिए, टमाटरों का पानी दही डाल के मैं वही कठोरा जर्रा धो के उसमें थोड़ा पानी डाल के फिर उसको 5 मिनट रख देती हूँ। देखिए, ये देखिए पूरा पानी, अब दही का पानी, टमाटरों का पानी पूरा सूखता। मैं भी ये टमाटे हैं ना तो मैं कपगेड़ से वैसे जो उसको फोड़ रही हूँ, देखिए जर्जरा रहे तो उसको तेज़ चूल्हे पे अच्छा भून लेना। देखिए, अब उसको तो ये पूरे में पीसे हुए गरम मसाला और बोले जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, इलायची पाउडर और काली मिर्ची है। देखिए, मोटी मोटी पीसी थी ना मैं, तो इसके अंदर पलाव के अंदर डाले तो बहुत मज़े की होती। तो ये देखिए अच्छा उसको 10 मिनट भुने बाद ऐसा अखनी हो गई। देखिए, पूरी उसको टमाटे भी गल गए और दही का पानी भी सूख गया। देखिए, पूरा भगोने को लग रहा है। देखिए, पूरा पानी सुखाना। देखिए, अगर अपन पानी नहीं सुखा के जल्दी जल्दी डाले ना तो उतना टेस्ट नहीं रहता पलाव, उतना मज़े का नहीं रहता। अपन तहारी भी बनाते ना तो ऐसी रहती तहारी भी सेम, मगर मसाले अलग अलग रहते उसके। ये चिकन पलाव जैसा मैं बना रही हूँ वैसा बनाइए आप लोग, इतना मज़े का होता, बहुत मज़े का होता। तो इसमें कोतमीर, हरी मिर्ची, फिर बोले तो पुदीना डाली। देखिए, मैं उसको पुदीना वही डाल के इसको 5 मिनट फिर ढाप के रख देती हूँ। देखिए, पूरा इसका कोतमीर का पुदीने का पूरा हो गया बाद ये देखिए पूरी यखनी तैयार हो गई। पूरा मैं अच्छा चिकन को कम से कम 10 मिनट भुनी। देखिए, उसको चिकन का पूरा पानी छुट के पूरा अच्छा चिकन गल गया। देखिए, उसके अंदर ही पूरा मैं पूरा इसको 20 मिनट भूनी। देखिए, पूरा ये जब से भगोना चढ़ाई ना मैं तो 20 मिनट भून ली। 20 मिनट के बाद पूरा होगा। देखिए, मैं इसमें अदन डाल के बताती हूँ आप लोगों को। 3 गिलास चावल रहे तो मैं 3 गिलास बराबर को बराबर पानी डाल रही हूँ। देखिए, तो बासमती को अपने को कम लगता पानी, ज़रा सादे चावल को ज़रा ज़्यादा लगता, अपने चावल के हिसाब से रहता। थोड़े चावल अच्छे रहते, थोड़े चावल वो रहते, देखिए वो हिसाब से अपन देख के डाल लेना पानी ये चीज़ों में। तो अदन आ गया। देखिए, चावल मैं 1 घंटा पहले धो के रख दी थी। अपन बासमती चावल रंधे, सादे चावल रंधे, 1 घंटा पहले, आधा घंटा पहले धो के रख देना। देखिए, मैं चावल भी डाल दी इसके अंदर, चावल डाल के अब ढाप देती हूँ इसको, 1-5 मिनट के बाद निकाल के बताती हूँ मैं आप लोगों को। 5 मिनट हो गए। देखिए, 5 मिनट के बाद निकाल के बता रही हूँ मैं, इतना मज़े का होता ये चिकन पलाव। मैं इससे पहले भी 2 खुद 3 खुद बनाई थी, इतना मज़े का, इतना मज़े का होता, मुँह से नहीं छूटना, बहुत मज़े का रहता है। इसमें थोड़े चीज़ें ऐसे रहते हैं, बहुत अच्छा होता जितना भी अपन बनाए ना। तो मैं अंडे उबाल लेके इसके अंदर रख रही हूँ। देखिए, तो आप लोग भी बना के उबाल के रख सकते हैं आप अंडों के, चिकन के साथ बहुत अच्छा रहता। नींबू डाली देखिए ऊपर से,
मैं अब 10 मिनट उसको धीमे चूल्हे पे रख दी थी, देखिए 10 मिनट के बाद निकाल के बता रही हूँ, देखिए पूरा होगा। देखिए देखिए कितना अच्छा दिख रहा, कलर देखिए कितना मस्त दिख रहा। तो अंडे अब जैसा अपन मिलाते ना, अभी दमने देने से पहले बीच में भी डाल सकते हैं अपन अंडे, 5 6 7 ऐसा चिकन इसके साथ खाए तो बहुत मज़े के रहते। मैं प्लेट में निकाल के बता रही हूँ, देखिए आप लोगों को कितना खुला खुला पकया। देखिए देखिए चावल को चावल नहीं लग रहे, देखिए एकदम दाग भी नहीं लगता। अपने हिसाब से पानी डाल के अपन जो हिसाब को उसको लगता वो हिसाब का डाल के अगर अपन वहाँ बनाए तो बहुत मज़े का बहुत टेस्ट रहता है। देखिए इंशाल्लाह मैं व्हाइट पलाव भी बना के बताऊँगी, कितना अच्छा दिख रहा है। देखिए लाइक और शेयर करिए फराना कुकिंग को।